नमस्कार, आप देख रहे हैं सियोला 24 न्यूज। मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। सीहोर के ग्राम बिजोरी में 19 साल की लंबी सेवा अवधि के पश्चात भारतीय सेना में ड्यूटी निभाकर गांव लौटने पर एक अनूठे अंदाज में अपने गांव के बेटे और उनकी यूनिट से छोड़ने आए सैनिकों का सम्मान किया। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस सम्मान को पाकर भारतीय सेना के जवान गदगद जरूर हो गए। दरअसल सीहोर के मंडी थाने के अंतर्गत ग्राम बिजोरी के किसान लीला किसान मेवाड़ा के बड़े बेटे नितेश वर्मा 2001 में भारतीय सेना में चयनित होकर 17 साल की लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। अपने रिटायर साथी को छोड़ने उनके यूनिट के 3 सैनिक घर छोड़ने आए, मगर ग्रामीणों ने इस सेवानिवृत्त सैनिक की देश सेवा के लिए अनूठे अंदाज में स्वागत कर उसे जुलूस की शक्ल में गांव तक लाए। भारत माता की जय के नारे लगे और एक खुली जीप में जुलूस के रूप में पूरे गांव में घुमाया। समूचे गांव के द्वारा किए गए सम्मान के प्रत्युत्तर में उसने संकल्प लिया कि अब वह सेवानिवृत्ति के पश्चात वह गांव के बेटों को नियमित मिलिट्री ट्रेनिंग निःशुल्क देगा। ये बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसिंह यादव है, मैं तलेन क्षेत्र से हूँ। मानसिंह जी, ये बताइए कि शहादत के बाद सम्मान भारतीय सेना के जवानों का होता देखा है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जो सम्मान किया गया है, ये कितना अनूठा और कितना रोमांच आप अनुभव कर रहे हैं? हम चारों को ये अनुभव हो रहा है कि ये एक जो सेना में आदमी नौकरी करके आता है सैनिक, शहादत के बाद नहीं, वो सेनानिवृत्ति के बाद भी आता है, तो यहाँ के लोग कितना प्यार और सम्मान करते हैं, ये उसी का प्रतीक है। भारतीय सेना में जाके अपने अफसरों को क्या बताएंगे इस घटना के बारे में? भारतीय सेना अफसरों, हमारे बटालियन से 4 जवान आए हुए हैं यहाँ, जाके हमारी बटालियन में बताएंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उतना ही सम्मान मिलता है, और शहादत पर सम्मान मिलता ही है, सेवानिवृत्ति के बाद भी सैनिकों को पूजा जाता है हमारे क्षेत्र में, मालवा में खास करके। ये बताएं क्या नाम है आपका? निकेश सिंह मेवाड़ा। निकेश जी, भारतीय सेना में सर्विस करने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद हम देख रहे हैं कि अनूठे अंदाज में ग्रामीणों ने आपका ऐतिहासिक जुलूस निकाला है, किस तरह की फीलिंग इससे मन में आ रही है और ये किस तरह का उत्साह है? ये है देश सेवा और जन सेवा, जो एक भारतीय सेना के विचार और उनका आदर्श ये सारे लोग करते हैं उसी मकसद से, और मैं एक समय से सभी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। निर्वस 17 सालों से मैं बाहर था, अब गांव में आया हूँ तो सबका साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं 17 साल से यहीं हूँ, नौकरी नहीं कर रहा हूँ। किस तरह की भावनाएं मन में आ रही है? भावना ये आ रही कि देश सेवा करके जो 17 साल घर से निकाले थे दूर, ऐसा लग रहा है जैसे कि देश सेवा करके वापस में पुनः अपने गांव में लौट के आया हूं। आज सीहोर में शक्तिपीठ बिजासन धाम सलकनपुर माघ मेले का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील के द्वारा किया गया। आज दोपहर 1 बजे जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील सलकनपुर पहुंचे, वहां पर नायक बाबा को पूजा अर्चना कर ध्वजा चढ़ाया और बाघ मेले का शुभारंभ विधि विधान से किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आरिफ अकील का स्वागत किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास के कार्य करेगी और क्षेत्र को भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि 15 साल के प्रशासन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सलकनपुर जैसे क्षेत्र को सरकारी लिस्ट में नहीं जोड़ पाए, जितना संभव हो सकेगा मैं विकास कार्य करूँगा। यहाँ मेले माघ मेले का उद्घाटन करने का अवसर मिला, उद्घाटन तो किया लेकिन मुझे थोड़ी सी शर्म भी आई। जो धर्म के नाम पे 15 साल मध्य प्रदेश की हुकूमत करते रहे उनको नहीं दिखा गई है माँ का दरबार है, और इस दरबार की क्या आवश्यकता है, सरकारी सूची में क्यों नहीं है? निश्चित ही जो आपने मुझे आदेश दिया है, मैं अपना भरपूर प्रयास करूंगा कि ये मेला सूची में आए और सुविधाएं मिले, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा उसका समर्थन करते हुए यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अनेकता में एकता वाला मेरा मुल्क है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक है कि मेरे मुल्क में शांति रहे, अमन रहे। धन्यवाद, जय हिंद। सीहोर जिला प्रभारी मंत्री आरिफ अकील मंगलवार को नरसुल्लागंज नगर के दौरे पर रहे। प्रथम बार आरिफ अकील के नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं नरसुल्लागंज नगर के बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाओं से स्वागत किया,
इस बार आरिफ अकील नीलकंठ रोड तिराहे पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं की बैठक ली एवं 8 फरवरी 2019 को भोपाल राहुल गांधी आने को लेकर चर्चा की एवं कार्यकर्ताओं को आने का न्योता दिया। जिसके बाद प्रभारी मंत्री नरसुल्ला नगर के रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 15 सालों में स्वास्थ्य सेवा नहीं सुधरी, लेकिन हम स्वास्थ्य सेवा सुधारेंगे एवं शिक्षा व्यवस्था की भी अनियमितताओं को भी सुधारा जाएगा और जो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है उसे भी सख्ती से रोका जाएगा। जहां सट्टा जुआ चल रहा है इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी, शिक्षा व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। वहीं इस अवसर पर प्रभारी मंत्री के साथ सीहोर जिले के पूर्व विधायक रमेश सक्सेना सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरा सपना है, मेरा सपना जब साकार होगा कि विधानसभा से हमारा पार्लियामेंट का उम्मीदवार जीते। सब कुछ सहयोग मांग रहा हूँ, हो सकता है कुछ मुझसे नाराज हो, कुछ अध्यक्ष से नाराज हो, कोई किसी से नाराज हो, लेकिन क्षमा कर दीजिए। मैं पार्लियामेंट इलेक्शन के रिजल्ट तक अपनी आन अपनी आना सब साथ में रखे, कांग्रेस के लिए मजबूत करिए। जो लोग कमल जाप हैं वो उजागर होंगे, जो निश्चित ही वो कांग्रेस से बाहर होंगे, वो कांग्रेस। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल है सीहोर 24 न्यूज़। खबरों में भी इतना ही, आप मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय सीहोर 24 न्यूज़।